तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 क्या है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, ठीक है, तो हमें इसमें एक्स की वैल्यू बतानी है क्या क्या होगी। ठीक है, तो हमारा एफ एक्स क्या है, हमारा एफ एक्स है लॉग बेस एक्स टेन, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी, तो इससे अपने टेन से कोई मतलब नहीं है, टेन पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ के सवाल है, जैसे कि लॉग बेस ए बी लिखा होता है तो हमारा बी क्या हो सकता है, बी हमारा सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इक्वल्स टू भी नहीं हो सकता। सिमिलरली अपना ए क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और इसके साथ में एक प्रॉपर्टी और आती है कि ए हमारा वन के इक्वल नहीं हो सकता। तो चलो आज तुम्हें मैं सब बता ही देता हूँ कि हमारा ए वन के इक्वल क्यों नहीं होता। देखो, तो असल में इसका मतलब क्या होता है कि जैसे इसका आंसर मान लो कोई सी आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम ए की कितनी पावर करें कि हमारा आंसर बी, मतलब कि हमारा बी आ जाए। ठीक है, तो ए की पावर सी अपना आंसर हो जाता है, मतलब ए की पावर कितनी करें कि हमारा आंसर बी आ जाए, ये होता है ना, तो इसीलिए अपना आंसर सी आता है। फॉर एग्जांपल अगर अपने को लिखा है लॉग बेस टेन टेन हंड्रेड, ठीक है, तो हम टेन की कितनी पावर करें कि हमारा हंड्रेड आ जाए, तो क्या आ गया आंसर अपना कि टेन की पावर टू कर दो, तो टेन की पावर टू करने पर क्या आ जाता है अपना हंड्रेड, तो अपना यहाँ पे जैसे टू आया तो यहाँ पे भी अपना आंसर सी होता है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, अगर ए हमारा वन हो जाएगा तो वन की पावर हम सी करने पे हमारा कुछ बी, मतलब बी मान लो कुछ एट आ रहा है, तो बताओ सी की वैल्यू क्या होगी। आप चाहे वन रख लो, चाहे इन्फिनाइट रख लो, चाहे जीरो रख लो, चाहे कुछ रख लो, तो वन की पावर कुछ भी करने पर हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा वन आता है, तो वन कभी भी हमारा एट के इक्वल नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा कभी भी ए हमारा वन के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, आगे बस समझ में, तो देखो यहाँ पे ऐसा कौन सा आंसर है, तो देखो डी वाला, देखो एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एक्सक्लूडिंग एक्स इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो हमारा डी वाला भी सही है, और बी वाला देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो एक्सक्लूडिंग एक्स इक्वल्स टू वन, तो सेम ऑप्शन है, तो बी और डी दोनों ही सही है। ठीक है,